हाय, गुड मॉर्निंग पीपल। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं और अभी जिसमें सो करके उठा थोड़ी देर पहले। और कल रात को जब मैं लौट करके आया था कीमोनेसी से, उसके बाद मैं आकर के सो गया था। फिर सोने के बाद जब उठा तो फिर डिनर करने के लिए मार्केट में चला गया था। डिनर करके आया तो एक ऐसे ही एक फ्रेंड बन गया था रास्ते में। ही इज़ फ्रॉम कर्नाटका। उसको भी एक रूम चाहिए था तो मैं जिस होम स्टे में रुका हूँ वो भी उसी उसी होम स्टे में रुक गया। और आज हमारा प्लान है यहाँ से चंद्रताल लेक जाने का, विच इज़ अराउंड 100 किलोमीटर फ्रॉम काजा। काजा से 100 किलोमीटर दूर है। तो आज हमारा प्लान ये है बेसिकली। अभी 7 बज रहे हैं, हम लोग 9 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे। उसे की मोनेस्ट्री देखनी है, जो मेरा फ्रेंड है प्रवीण नाम है उसका, जो अभी अभी नया फ्रेंड बना है, उसे की मोनेस्ट्री देखनी है। तो हम लोग की मोनेस्ट्री देखते हुए चंता लेक के लिए निकल जाएंगे। आज हम चंता लेक में स्टे करेंगे और बीच में अगर एक दो स्पॉट पड़ेंगे देखने वाले तो हम देखेंगे, और वो देखने के बाद फिर हम लोग रात को चंताल में ही कहीं पे स्टे करेंगे। और फिर अर्ली मॉर्निंग हम लोग कल फिर मनाली के लिए निकल जाएंगे। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। आई विल कीप यू पोस्टेड। रूम का रेंट पे हो चुका है, नाउ इट्स टाइम टू गो। भाई उधर प्रिविंग कर रहे हैं रूम का रेंट पे, मैंने मेरा कर दिया है। यहाँ से हम लोग बस अब निकलेंगे, की मोनेस्ट्री देखनी है भाई को अभी, फिर की मोनेस्ट्री के बाद चीचम ब्रिज एंड देन डन ना था वो सी। उसके बाद आ रही चंता लेक। तो जी की मोनेस्ट्री हो गया है, हम जा रहे हैं चीचम ब्रिज के लिए। चीचम ब्रिज यहाँ से अराउंड 6 किलोमीटर के आसपास है। तो देखते हैं आगे, बाइक चल रहा है, बाइक पे इसने मैप लगाया हुआ है। पहुंच जाएंगे चीचम ब्रिज और फिर वहां से डायरेक्ट लेक चल चंताल लेक। मैं तो कल भी आया था की मोनेस्ट्री, कल भाई को देखना था तो इसकी वजह से हम लोग वापस आए थे दोबारा। एक फ़ोटो एक वीडियो लेने के लिए 3-3 4-4 चक्कर लगाने पड़े। इसके नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी चंता लेक, विच इज़ अराउंड 90 और 95 किलोमीटर फ्रॉम यहाँ ये चीचम ब्रिज से। और फिर रास्ते में एक ब्रेक लेंगे, बाकी देखते हैं कि कैसा रास्ता रहता है और कितना टाइम लगता है चंताल लेक पहुँचने में। चीचम ब्रिज पे फोटोज़ वीडियोस ले लिए, नाउ लेट्स गो टू दी चंताल लेक। भाई चंताल जाते में अभी तक तो सारे रोड बहुत ठीक हैं,
थोड़ा सा एक ऑफ रोडिंग था बीच में 5 या 6 किलोमीटर का, उसके बाद अभी ये वाला पैच आया है जो कि बेटर लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी आगे ऑफ रोडिंग करनी है जब मनाली के लिए निकलेंगे जमताल से, तब तो बेटर है कि अभी ना मिले क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा थकान होने वाली है, बहुत ज़्यादा पूरे हाथ पर खिलने वाले हैं, जैसा कि मैंने अब तक सुना है उस ऑफ रोडिंग के बारे में। बाकी चंद्रताल अभी यहाँ से 70 के आसपास बचा है, 70 किलोमीटर के आसपास, और जो अभी मैप दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि हम 2.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे, तो लेट्स सी अभी कितना टाइम लगता है। चंद्रताल हिमाचल स्टार्ट किए तो हम देखो देखो लोकेशन अच्छा ठीक ही है क्या, ठीक है क्या, कितने लगा देखो यहाँ से आए हम, रिसेंटर कर लेता हूँ, सही है क्या, तुम्हारे में 60 दिखा रहा है, मेरे में 76 दिखा रहा है, मेरा भी 76 ही दिखा रहा है, वहाँ जब हम ऊपर थे ना वहाँ पे आ रहे थे ना तब 69 दिख रहा था मुझे। अब दिखा रहा 62, अब दिखा रहा 62 अब नाउ इट्स शोइंग 62 हाँ मुझे तो 76 ही दिखा रहा है। लेट्स गो थोड़ा आगे चल के देखते हैं क्या होता है, पर ठीक है, सीम्स लाइक गलत रोड पे आ गए हम लोग। एक JCB वाले से पूछा था रास्ता, उसने हमें यहाँ रास्ता दिखा दिया, पता नहीं हम लोग सही जा रहे हैं या फिर गलत जा रहे हैं, मैप तो दिखा रहा सही जा रहे हैं पर डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, पहले 62 आ रहा था 76 आ रहा है, कभी 62 आ रहा है कभी 76 आ रहा है। हमें बेवकूफ बना दिया और कुछ नहीं है, पासा से ये कौन सा रास्ता है, ना नहीं JCB वाले ने हमें गलत रास्ता बता दिया, हम लोग कम से कम 10-12 किलोमीटर आगे आ गए, नाउ वी आर गोइंग बैक। क्या रोड था ये भाई, मैं तो वहां गया था ऑलमोस्ट अगर ब्रेक नहीं मारा होता तो सीधे खुद जाता था मैं तो। पहले पानी पीते हैं। हाँ खाने में क्या होगा भैया, खाने में राजमा चावल है, ओके, और चौमेन, फ्राइड राइस, मैगी, फ्राइड राइस, फ्राइड राइस कौन सा, और सेठ लोग अच्छा, आई तो हैव राजमा चावल, हां आई तो हैव राजमा चावल, हां चिचिया भाई फ्राइड राइस कौन सा है, एक बार बैठते हैं, हां खाना है राजमा चावल, जरा दिख हां उसको एक राजमा चावल, हां राजमा चावल और एक चाय कर देना। हां दिस फ्लैग्स हैव या These flags must always be flying
ब्रेकफास्ट हो गया, यहाँ पे लंच ही हो गया एक तरीके से। अब बस यहाँ से निकलेंगे हम लोग चंदताल के लिए। लॉसर विलेज पर रुके थे हम लोग कुछ खाने के लिए, यहाँ से अब चंदताल। स्नो है यहाँ पे, सिग्नल नहीं, सिग्नल नहीं है। पीछे मैं अभी गिर गया था, काम चल रहा था, मिट्टी में गाड़ी थोड़ी धस गई थी, तो दो तीन पीछे लोग पीछे खड़े हुए थे, उन्होंने आके निकलवाया। ऑफ रोडिंग आ गई है, ज़्यादा ऑफ रोडिंग, मतलब पूरा कच्चा रास्ता है, मौसम के बाद से पूरा कच्चा रास्ता है। पता नहीं अभी आगे लैंडस्लाइड हुआ है क्या हुआ है। एक बार तो ऑलरेडी गिर चुका है सर, एक बार तो ऑलरेडी गिर चुका आज, अभी पीछे गिरा था। कुछ डैमेज नहीं हुआ ना? चलो कुछ आराम से निकलो। हाँ, कुछ वैसा भी है, चंदताल के लिए रास्ता बहुत ही ख़राब है। अगर मुझे पता होता कि चंदताल तक भी इतना ख़राब होगा तो शायद मैं ना आता, क्योंकि मुझे तो लिटरली इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। और अभी आगे मनाली से आगे भी हमें, सॉरी चंदताल से आगे भी हमें जाना है कल, तो देखते हैं कैसे होता है।
कितना बोल रहे? छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है वो। मेरा कौन सा आधे नंबर बाइक था ना, दो बाइक। हाँ 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 हाँ, छोटी मोटी चीज नहीं बॉस। क्या वो बहुत बड़ी चीज है बॉस? जा रहे चंचल लेक, नीचे हमने कैंप ले लिया है और अब ऊपर जा रहे 2 किलोमीटर के आसपास तक जा रहे हैं। हाउ इज द जोश? अभी क्या जोश में है, मेड इट टू चंद्रयान। मैं कह रहा हूँ चंद्रयान, मैं कह रहा हूँ फाइनली मेड इट टू चंद्रयान। चंद्रताल ये सामने चंद्रताल है। बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करके यहाँ पे पहुंचे हैं हम लोग। कंप्लीट ऑफ रोडिंग अराउंड 40 किलोमीटर्स। तो जी ये है चंद्रताल लेक। सुबह से इसी लेक के लिए हम लोग इतनी सारी ऑफ रोडिंग करके आ रहे थे। So finally the track has been completed and the track as well. No, the track has been completed and the lake as well. Yes. कहाँ से आप लोग? उड़ीसा। उड़ीसा से आप लोग? Nice यार। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत ही अच्छा। मैं आपको सुबह से देख रहा हूँ। पहले वहाँ था। Actually थे। Honestly हमारा fourth day था। Fourth day। Fourth day हम monastery था। Next monastery की बर था। उसके बाद की monastery आ गए। लोगों ने वहाँ से entry किया और शिमला से? शिमला से आए थे लोग, मनाली से मैं अभी यहां पर रेडी फेस ऑफ सो। लेकिन टाइम के लोग रोड जो है वो जो काम हम लोग भाई शिमला से आए थे। आप तो छोटे रहे दिल्ली से? अच्छा, तो रोड हां वाला तो ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फर्स्ट रोड हमने क्या कि रोड था तो
उस दौरान ट्रैफिक भी बंद गया। सही है, सही। तो इसी वजह से निकल रहे हैं। मैं भी इवन बहुत टाइम से प्लान कर रहा था, कम से कम मुझे 3 या 4 महीने। अच्छा, तो मेरा वाला तो ये एक्सीडेंट है। ओके, ये लोग सब प्लान करके रखे थे। अनप्लान्ड ही बेस्ट होता है एक्चुअली। ये अनप्लान्ड ही लास्ट में आया। अनप्लान्ड बेस्ट होता है एक्चुअली। मैं लास्ट तक ये सोच रहा था कि फ्लाइट में आऊं ना आऊं। फ्लाइट तो छोटी गया था ऑलमोस्ट, लाइक स्पेशली गार्ड करके मुझे लेके हॉस्पिटल लाया गया। सही है, सही है। आप कल ही निकल जाएंगे? कल यहाँ से सुबह सुबह, हाँ, मनाली निकल जाएंगे, वहाँ से फिर दिल्ली। हाँ, ये रुकेगा मनाली 3-4 दिन। अच्छा अच्छा, इसका छुट्टी है अभी। आपका अपॉइंटमेंट में करते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए, नाइस टू मीट यू। आपका नाम? कुणाल। कुणाल, कुणाल। चलें।